हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है ऑन द टॉपिक मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ, जो कि आज का सबसे जबरदस्त टॉपिक होने वाला है। इस चैप्टर का ही पूरा जबरदस्त टॉपिक होने वाला है वर्क एनर्जी पावर का, जो कि कौन सा है, मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते वर्क का। ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। गाइस, स्टार्ट करते के साथ ही मैं ये बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि वर्क डन होता क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखा, ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिस्ट का लिंक दे रखा, वहां से जाना है, फटाक से उसको देख लेना है और कंप्लीट कर जाना है, तब ये वीडियो मजेदार समझ में आएगा। अब देखते हैं हम लोग कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं। अगर मान लो मुझे कोई वर्क डन दिया, इतना वर्क डन किया गया, मान लो कोई अपन एक जगह से दौड़ कर दूसरी जगह चले गए किसी के धक्का देने की वजह से, तो वो वर्क डन जो हुआ वो कितना वर्क डन हुआ, इसे अगर मुझे मेजर करना तो कैसे मेजर कर सकते हैं इस टॉपिक के हेल्प से, तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहली बात कि जो वर्क डन होता है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। किस किस चीजों पर? वर्क डन मैग्नीट्यूड जो वर्क डन का होता है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। कौन कौन? फर्स्ट वन इज फोर्स पे, उसको फोर्स कितना लगाया गया, सेकेंड उसके डिस्प्लेसमेंट पे, और थर्ड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है। गुरु जी थोड़ा एग्जाम्पल समझाते थोड़ा ज्यादा मजा आता है, वो समझा देता हूं मैं। जैसे देखो एक बच्चा है छोटा सा, अब वो क्या है, एक टॉय खरीदा गया उसको मेले में जैसे इसको टॉय खरीदा गया, तो ये टॉय लिया हुआ है, दशहरे के मेले में गया था, वो टॉय खरीद के लाया। अब वो टॉय खरीद के लाया तो यहां से पकड़ के उसको धागे से बांध दिया। किससे बांध दिया मेरे दोस्त? एक छोटे धागे से। धागा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये स्ट्रिंग से यहां से बांध दिया और इसको ऊपर की तरफ से खींचना शुरू कर दिया। जैसे ये खींचना शुरू कर दिया तो ये टॉय जो है, अब ऐसा तो नहीं ये टॉय इधर की तरफ खींच रहा रस्सी है तो ऊपर में गोम में भागने लगेगा, नहीं, वो कैसे भागेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर भागना शुरू करेगा। और इनिशियली अगर यहां था तो धीरे धीरे शिफ्ट करते 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 यहां पर चला आएगा। अब ये जो शिफ्टिंग हुआ इस ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? एस। तो वर्क डन इसमें जो हुआ है वो निकालने के लिए किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा? पहला फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट और तीसरा इसके बीच का एंगल, इन तीनों चीजों पर डिपेंड करेगा। अब थोड़ा मैं डायरेक्ट बात करता हूं कि कितना होगा, इसको काउंट कैसे करोगे, मैग्नीट्यूड को वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करोगे। तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब ये डॉट क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डॉट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? डॉट पढ़ते हैं। ओके, अब फिजिक्स में जो होता है ना मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है, उसके बारे में थोड़ा एक मिनट में बात करूंगा। ध्यान सुनना, हटना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है बताने वाला हूं। फिजिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मैथ्स का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अलग होता है। मान लो अगर मुझे, क्योंकि फिजिक्स में अपना क्वांटिटी भी अलग अलग तरह होता है, अब किसी भी एक वेक्टर वन को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होगा वेक्टर टू से, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का हमारे पास दो रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं मेरे दोस्त? दो रूल्स। पहला बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। दूसरा क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल अभी मैंने वर्क डन का क्या लिया, वर्क डन का क्या था मेरे पास फॉर्मूला? वर्क डन का था फोर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ये था हमारा वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूला। अब डॉट प्रोडक्ट यही है कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कुछ। अब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट जो था ये, अब वेक्टर क्वांटिटी को जब भी प्रोजेक्ट करते हैं ना तो उसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड तो ये खुद बता रहा है, साथ में इसमें एरो लगा दो तो ये डायरेक्शन भी बताएगा। अच्छा ध्यान रहे, वर्क डन के लिए जब ये डॉट, इसको क्या बोलते हैं? डॉट। इसको डॉट पढ़ना है, और डॉट को जैसे ही मान लो मैं हटाना चाहता हूं तो क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डॉट प्रोडक्ट होता है अर्थात जब भी, तो ये लेकर आता है कॉस थीटा। और वैसे ही एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, ये है हमारा टॉर्क कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं टॉर्क। ओके, अब टॉर्क किसी चीज पर डिपेंड करता है? फोर्स पे इनटू इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ये डॉट और ये क्रॉस, इसको पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। किसके साथ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं ऐसा। तो ये क्या कहलाता है हमारा? टॉर्क कहलाता है। ये क्या कहलाता है मेरे दोस्त? टॉर्क। अगर मान लो इसे मुझे लिखना होगा तो इसको बोलते हैं एफ
और इसको अगर s से डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, दिए हो जाएगा f s, और क्रॉस ओवर में हटाऊंगा तो जब डॉट हटता है तो cos थीटा और जब क्रॉस हटता है तो sin थीटा, इस तरीके से आता है। तो ये बता हमारा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन वो मेरा किसी काम का नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट, काम का मेरा कौन है डॉट प्रोडक्ट, जो किसमें होता है इस फोर्स में होता है। तो अगर मुझे पूछेगा व्हाट इज दिस फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, तो उसके लिए फॉर्मूला ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। हम लोग इसी को लेकर अब आगे बढ़ने वाले हैं, इसी के लिए को यूज करके हम लोग बहुत सारे रिजल्ट निकालूंगा मैं, उन रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझना है, और न्यूमेरिकल भी आपको इसी फॉर्मूला से यूज करना है। तो चलो आगे हम लोग इस फॉर्मूले के बारे में और भी काफी सारे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अब मैं कंटिन्यू, अभी जैसे मैंने वर्क का फॉर्मूला बताया, मैं थोड़ा डिवीजन कर लेता हूं इस पे इसका। वर्क का फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया मेरे दोस्त, वर्क का मैंने फॉर्मूला बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इस तरीके से ऐसे फोर्स लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हो जा रहा है थोड़ी देर के बाद, यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट यदि एस का और इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, इसको क्या पढ़ते हैं थीटा पढ़ते हैं, इसको थीटा पढ़ते हैं, तो यहां पर वर्कर का फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा एफ एस एफ डॉट एस, और डॉट को मैं हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, किस इनके बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होगा। अच्छा ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला मेरे पास आ चुका है एफ एस कॉस थीटा, जिसको मुझे आगे भी इस्तेमाल करना है क्योंकि मेरे गुरुजी ने यही चीज कहा है। अब इसको यूज करने से पहले यहां से एक सवाल आ रहा होगा कि कॉस थीटा क्या होता है, क्योंकि कॉस थीटा के बारे में नाइन्थ का स्टूडेंट हो तुम, टेंथ में तो कभी सुने ही नहीं, ये कॉस थीटा के बारे में थोड़ा सा अपन जानते हैं। अगर मान ली एंगल का वैल्यू अलग अलग दिया है तो उसके आधार पर हम लोग को अलग अलग वैल्यूज कुछ निकालने होते हैं। अब उन वैल्यूज को थोड़ा आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज में बता देता हूं, जिसे ध्यान में रखना है और आपके फ्यूचर में काम है। क्या है, इस तरीके से आप लोग एक टेबल बनाना है, क्या बनाना है मेरे दोस्त, एक छोटा सा टेबल बनाना है, इसमें कुछ वैल्यूज रखने, यहां रखूंगा मैं एंगल या फिर थीटा। इसमें अगर मेरे से पूछा जाए दो वैल्यूज होता है ना, एक क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, कौन डॉट प्रोडक्ट के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कौन सा यूज करते थे साइन, अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहा है यहां पे जैसे वर्क में मैं यूज कर रहा हूं, इसके लिए कौन यूज कर रहा होगा मुझे कॉस साइन थीटा, कॉस थीटा ऐसा पढ़ेंगे हम लोग। अगर थीटा का वैल्यू मुझे दे दिया 30 डिग्री 30 डिग्री, ऐसे दे सकता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 और 90 डिग्री, इतने वैल्यूज क्या क्या होते हैं ये हम लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। ध्यान में रखने के लिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, जिसे ट्रिक को ध्यान में रखकर आप याद कर सकते हो। क्या करो, यहां पे हर एक जगह लिखते चलो, क्या क्या लिखते चलना है, यहां लिखना है 0 1 2 3 4, सारे वैल्यूज को 4 से डिवाइड करते चलो, 4 से डिवाइड करते चलो, 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, सब में रूट लगाते चलते हैं, ए टू जेड में हमें रूट लगाते चलना है। तो यहां देख सकते हैं 0/4 कितना होता है 0, तो यहां आ जाएगा 0, 1/4 कितना होता है 1/2 होता है, वैसे ही इसका वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स में कैंसिल और 1/√2, इसका वैल्यू √3/2, वैसे ही इसका 4/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली 1 ही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से ये सबका वैल्यू दे दिया। अगर मान लो तुम्हें कोई कहता है कि साइन 0 का वैल्यू कितना होगा 0, साइन 60 का वैल्यू कितना होगा √3/2, साइन 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2, इस तरीके से आप चाहो तो यहां पर बता सकते हो, यहां पे अगर हमारा वो साइन के साथ वैल्यू हो तो उसको रख देते। एंगल थीटा में तुम्हें देगा कितना डिग्री का, इतना डिग्री का फोर्स लग रहा है, इतना डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फिर उसको इस्तेमाल कर लेना। अब आगे देखते हैं, अगर यहां मैं बोलूं तो 4 3 2, जैसे इसमें बढ़ते क्रम में मैंने काउंटिंग लिखा था 0 1 2 3 4, इसमें उल्टी गिनती लिखना है 4 3 2 1 और अगला 0, सबको डिवाइड कर दो 4 से, सबको डिवाइड करते चलो मेरे दोस्त
फोर से सब में क्या करना है उसके बाद रूट लगा लेना है, सब में लगाना है रूट। अब यहां से देख सकते हैं ये आ जाएगा वन, ये आ जाएगा रूट थ्री बाई टू, ये आ जाएगा टू टाइम्स में कैंसिल होगा वन बाई रूट टू, और ये आ जाएगा हमारा वन बाई टू, और ये आ जाएगा जीरो। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं तब तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। जैसे मान लो कि मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है यहां पर, व्हाट इज वर्क डन बाय ए फोर्स एफ इक्वल्स टू 30 न्यूटन डेट डिस्प्लेस 20 मीटर और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यहां दे रखा है इसने, ये दे रखा है 30 डिग्री। अब इसे मैं कैसे बनाऊंगा, 60 डिग्री से कर देते हैं, कितना दे रखा है 60 डिग्री। इसे मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहली बात इसमें मैं गिवन लिखूंगा, कैसे गिवन लिखूंगा, यहां मुझे दे रखा है कितना फोर्स दे रखा है कितना 30 न्यूटन का, फोर्स कितना दे रखा है मेरे दोस्त 30 न्यूटन। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट इसने दे रखा है 20 मीटर का, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 20 मीटर, फोर्स इसने दिया 30 न्यूटन। अब वैसे ही एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां से कर सकते हैं थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो मुझे पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या है एफ एस कॉस थीटा, एफ का वैल्यू कितना है 30 न्यूटन है ना, 30 न्यूटन, 30 इंटू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है 20 मीटर, और कॉस 60 रखना पड़ेगा, थीटा का डेरिवेटिव कितना 60 डिग्री, 30 × 2 कितना, पहले ऐसे ही रहने देते हैं 30 × 20 × cos 60 का वैल्यू मुझे चेक करना है, cos नीचे है सेकंड नंबर पे, थीटा का वैल्यू कितना रखा गया है 60, तो cos 60 का वैल्यू यहां पे दे रखा है कितना होता है मेरे दोस्त 1/2, यहां रख देंगे 1/2, ये कट जाएगा 10 times, यहां से रख सकते हैं 300 न्यूटन इसका वर्क डन आ गया। इस तरीके से आप चाहो तो वर्क डन किसी भी ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा वीडियो ऑन द टॉपिक वर्क डन। अब वर्क डन के फॉर्मूला को और भी अच्छे लेवल पे एनालिसिस करना हम लोगों को, और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखने हैं, जिसको मैं अगले वीडियो में यानी कि एपिसोड नंबर 3 में बात करेंगे। अगर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करना है तो ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे सवालों को मैंने करवाया है, उन सारे सवालों का लिंक मैंने दे रखा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सीख रहे हैं, उसमें कोई भी थियरी हमारा पढ़ाया नहीं गया। तो इस वीडियो के अब लास्ट में हम लोग आ चुके हैं जहां पर हर वीडियो में जैसे मैं सवाल पूछा करता हूं, इस वीडियो में सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपका आंसर करेक्ट निकला तो आपके आंसर को कहां किया जाएगा, टॉप पे पिन किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।